वीडियो स्टोर देने के बहाने बिहार के साइबर ठगों ने शहर के प्रॉपर्टी डीलर को 20,35,000 रुपयों का चुना लगा दिया। साइबर पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी थी और 3 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। अनुमान है कि आरोपी इस तरह के लोगों को चुना लगा चुका है। पकड़े गए आरोपी में नालंदा बिहार निवासी गणेश सरयू पासवान, रवि रंजन कुमार योगेंद्र पासवान और रोहित कुमार सहदेव पासवान का समावेश है। राहुल कॉम्प्लेक्स गणेशपेट निवासी शैलेंद्र चौधरी प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय करते हैं। नवंबर 2023 में उन्होंने शहर में टाटा कंपनी का जूडियो स्टोर खोलने के बारे में सोचा। गूगल पर वेबसाइट सर्च कर ईमेल भेजा। आरोपियों ने जूडियो के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी तैयार की। इस आईडी से शैलेंद्र को ईमेल भेजे गए। सारा समन्वय ईमेल पर ही होता था। आरोपियों के कहे अनुसार शैलेंद्र ने उनके खाते में 20,35,000 रुपए जमा करवाए। इसके बाद आरोपियों का ईमेल आना बंद हो गया। ठगी का एहसास होने पर शैलेंद्र ने प्रकरण की शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने आरोपियों के अकाउंट नंबर की जांच की। समय समय पर आरोपियों ने एटीएम से रकम निकाली थी। आरोपी नालंदा के होने की जानकारी सामने आई। डीसीपी नीमित गोयल और एसीपी अभिजीत पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस नालंदा रवाना हुई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया। न्यायालय में आरोपियों को पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए गए हैं। आरोपियों से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। फोन खंगालने पर पुलिस को पता चला कि तीनों लंबे समय से साइबर ठगी में सक्रिय है। उनसे और भी राज्यों के मामले उजागर हो सकते हैं। इंस्पेक्टर अमित डोलस, अमोल देशमुख, एपीआई विवेक लामतुरे, हेड कांस्टेबल शैलेश निगुट, प्रफुल्ल जनबंधु, योगेश काकड़ और रोहित मटाले ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सायबर पोलीस ठाणे नागपूर येथे 2023 मध्ये एक 108 नंबरचा गुन्हा दाखल आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी जे आहेत ते 51 वर्षाचे आहेत। त्यांना जोडिओची फ्रँचायझी पाहिजे होती, त्यासाठी त्यांनी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन केलं होतं। त्या ऑनलाईन ॲप्लिकेशनला जे सायबर आरोपी आहेत त्यांनी ट्रॅक करून फिर्यादीला कॉन्टॅक्ट केलं की बाबा आम्ही अशाशी जूडिओ फ्रँचायझी तुम्हाला मिळवून देतो, त्यासाठी फॉर्म वगैरे पाठवले आणि ते फॉर्म भरून प्रोसिजर करायला सांगितले। फिर्यादीला ते फॉर्म उभे टाटाच्या जूडिओसारखे वाटले नाही, त्यांनी ते फॉर्म भरून प्रोसिजर केली आणि ते आरोपींनी सांगितल्याप्रमाणे एक अकाउंटवर, पंजाब नॅशनल बँकेच्या अकाउंटवर फिर्यादीने 20,35,500 रुपये पाठवले। ज्या वेळेला ही फ्रँचायझीसाठी टाळाटाळ व्हायला लागली त्यावेळेला फिर्यादीला कळालं की आपल्याबरोबर फसवणूक झालेली, त्याप्रमाणे तक्रार दिल्यानंतर 2023 मध्ये 108 नंबरचा गुन्हा सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेला आहे। आरोपीला ट्रॅक करत असताना पंजाब नॅशनल बँकेचे अकाउंट होल्डर गणेश पासवान वय 40 वर्ष याला ट्रॅक करून गाव बिहारी बेगा पोस्ट माफी जिल्हा नालंदा येथे जाऊन त्याला त्याचा शोध घेतला। शोध घेऊन त्याला पकडलं। त्यानंतर आमचे टेक्निकल हेल्प वगैरे लोकेशन्स वगैरे हे काढून बाकीचे त्याच्यासोबतचे दुसरे 2 आरोपी रविरंजन पासवान वय 25 वर्ष आणि रोहित पासवान जो ATM मधनं अमाऊंट विड्रॉ केलेले आहे, त्या दोन्ही आरोपी असे 2 आरोपी आणि अकाउंट होल्डर ज्यासाठी त्यानं सायबर ठगी करण्यासाठी त्याचा अकाउंट फॉरवर्ड केलेला आहे, असे 3 आरोपीला बिहारी बेगा पोस्ट माफी जिल्हा नालंदा बिहार येथून आम्ही ताब्यात घेऊन त्याला अटक केलेली आहे। सदरचे गुन्ह्याचा तपास PI अमोल देशमुख सर करत आहेत। त्यासाठी आम्ही वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली DCP गोयल सर, ACP पाटील साहेब तसेच सिनियर PI अमित डोळे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी विवेक API विवेक लामतुरे, पोलीस नाईक प्रफुल्ल जनबंधू, पोलीस हवालदार शैलेश निगुट आणि पोलीस कॉन्स्टेबल योगेश काकड असे आम्ही सदर ठिकाणी जाऊन ह्या 3 आरोपीला शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेऊन आणलेलं आहे। यासाठी आम्हाला टेक्निकल हेल्प लोकेशन वगैरे पुरवण्यासाठी पोलीस कॉन्स्टेबल रोहित मटाले यांनी मदत केली। हे जे आरोपी आहेत त्यातले 2 आरोपी गणेश पासवान आणि रविरंजन पासवान हे वीटभट्टी किंवा हातमजुरी हे काम करत होते आणि रोहित पासवान सध्या काहीच काम करत नव्हता। यांचा मास्टर माइंड आता यांच्याकडे पुढे चौकशी चालवली आहे, एक लिंक मिळालेली आहे, त्याच्यातून पुढं
जे आरोपी निष्पन्न होतील ते मास्टरमाइंड असेल हे तर हे सर्व। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।